गाइस क्या आपको पता है कि जुगनू आखिर चमकते क्यों हैं और मछलियों के पलके नहीं होती हैं? फिर वो सोती कैसे हैं? या फिर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या सांप दूध पीते हैं? अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता तो बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो में जो कि आपको करने वाला है बहुत ही ज्यादा हैरान। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर चलिए हमारे आज के इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। गाइज आपने अभी तक बहुत सारी कहानियां और मूवीज में सांपों को बिन की धुन पर नाचते हुए देखा होगा, लेकिन क्या सच में सांप बिन की धुन पर नाच सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हम आपको बता दें कि बीन पर नाचते हुए सांप का इससे निकलते हुए संगीत के साथ वास्तव में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सांप के सिर पर तो सुनने के लिए कोई कान ही मौजूद नहीं होते, जिसके कारण हवा के माध्यम से सांप तक पहुंचने वाली ध्वनि की तरंगे इसके लिए बिल्कुल ही बेकार है। फिर चाहे वातावरण में कितने भी शोरगुल क्यों न हो, कानों की गैर मौजूदगी के कारण सांप कुछ भी नहीं सुन सकता। हमारी इस प्रकृति में बहुत सारी सुंदर चीजें मौजूद हैं और उनमें से ही एक अद्भुत प्राणी है जुगनू। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जुगनू आखिर चमकते क्यों हैं और इसके पीछे जलने वाली लाल पीली रोशनी आखिर आती कहां से है? क्या जुगनुओं में कोई बैटरी और बल्ब लगी होती है या फिर ये एक जादू है? खैर हम बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जुगनुओं की चमक ल्यूसिफेरक नामक प्रोटीनों के कारण होती है और इनकी चमक का रंग हरा पीला और लाल होता है। ये जंगलों में पेड़ों की छाल में अपने अंडे देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया में केवल जुगनू ही नहीं है जो कि चमकते हैं। जुगनू की तरह ही चमकने वाले ऐसे कई जीव हैं जिनमें से कुछ प्रजातियां पृथ्वी के ऊपर और समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। जुगनुओं के बारे में एक अजीब चीज ये है कि मादा जुगनू और नर जुगनू दोनों एक जैसे नहीं होते। जी हाँ, मादा जुगनू के पंख नहीं होते इसलिए वे एक जगह ही चमकते हैं, जबकि नर जुगनू के पास पंख होते हैं और वे उड़ते हुए चमकते हैं। और क्या आप जानते हैं वेस्ट इंडीज और दक्षिणी अमेरिका ऐसे दो जगह हैं जहाँ पर सबसे अधिक रोशनी से चमकने वाले जुगनू पाए जाते हैं? जी हाँ, चलिए अब हम आपको साउथ कोरिया ले चलते हैं और वहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। क्या आप जानते हैं साउथ कोरिया में सार्वजनिक स्थानों पर आप निशुल्क वाईफाई का आनंद ले सकते हैं? साउथ कोरिया के सभी शहरों यहां तक कि गांवों में भी ये सुविधा उपलब्ध है। यहां के लोग लाल स्याही को अशुभ मानते हैं। उनके अनुसार लाल स्याही से तब लिखा जाता है जब या तो कोई व्यक्ति मरने वाला है या मर चुका होता है। अब तक हम सुनते हैं कि सांप को दूध बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या यह सच है? कई मूवीज में हमें सांपों को दूध पीते हुए दिखाया गया है और यहाँ तक कहा गया है कि सांपों को दूध बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये बिल्कुल झूठ है। सांप दूध नहीं पीते। जी हाँ, प्रकृति प्राणियों में उन्हीं अंगों और रसायनों का निर्माण करती है जिसकी उस प्राणी को आवश्यकता होती है, और सांप के अमाशय और आंत में दूध को पचा सकने वाली रसायन का निर्माण नहीं होता, जिसके कारण उनके पेट में दूध का पचना बिल्कुल भी असंभव है। सांप के अलावा भी और कोई रेप्टाइल्स दूध नहीं पीते और न ही वे दूध के आदि होते हैं। गाइस क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रेल की पटरी पर कभी जंग नहीं लगती? लेकिन आखिर ये होता कैसे है? पटरियां इतने सारे मौसम को झेलती है लेकिन फिर भी इनमें जंग क्यों नहीं लगती? हम आपको बता दें कि रेल की पटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला स्टील कोई आम स्टील नहीं होता। इसे मजबूती के साथ साथ जंग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही बेहतरीन बनाकर इसका खास ध्यान दिया जाता है, और आमतौर पर रेलवे पटरी बनाने के लिए हेडफोल्ड मैग्नीस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि मछलियों की पलके नहीं होती, तो फिर वो सोती कैसे है? मछलियां दरअसल हमेशा तैरती रहती हैं, वे कभी रुकती ही नहीं है, लेकिन वास्तव में वे कभी सोती ही नहीं है बल्कि समय समय पर बस आराम करती हैं, और आराम करने के दौरान एक ही जगह पर धीमी गति से मंडराने लगती है। हालांकि दिन और रात मछली किसी भी समय आराम कर सकती है। कई मछलियां जैसे मीनो और कोरल लीफ रात में ही आराम करती है, जबकि कुछ मछलियां दिन में सोती यानी कि आराम करती है। और क्या आप जानते हैं मछलियां प्रवासन और अंडे देते वक्त या नवजात शिशु का देखभाल करते समय कभी भी आराम नहीं करती हैं? जी हाँ, क्या आपने कभी भी इस क्वेश्चन पर गौर किया है? ऊपर आसमान में कोई भी ट्रैक या रोड नहीं है, तो फिर एयरप्लेन्स को सही रास्ता आखिर पता कैसे चलता है? और क्या अगर मैं कहूँ कि इनका भी अपना एक फिक्स रास्ता होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हवाई जहाज का भी अपना एक रास्ता होता है जो कि बिल्कुल फिक्स होता है, और इनके द्वारा ही हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। पायलट को रास्ता बताने के लिए रेडियो और रडार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी होते हैं जो कि पायलट को बताते रहते हैं कि कितने ऊंचाई पर उन्हें हवाई जहाज को उड़ाना है। हवाई जहाज का अपना एक रास्ता होता है जो हमेशा इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेंज में रहता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक दे दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे हर आने वाले अपडेट के बारे में पता चलता रहेगा। साथ ही अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली बार एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ।